हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मांसाहारी पौधे क्या होते हैं और मांसाहारी पौधे कैसे दिखते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक नॉर्मल पौधों को देखते हुए आए हुए हैं जो दिखने में सुंदर दिखते हैं। जो नॉर्मल पौधे आपके घरों के आसपास मिलते रहते हैं जो पौधे भोजन के लिए मिट्टी से खनिज पदार्थ, जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसे पौधे भी होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। अभी तक जानवरों ने पौधों को अपना भोजन बनाया है। आज आप लोग नया सुनने वाले हैं कि मांसाहारी पौधे भी होते हैं जो जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह मांसाहारी पौधे छोटे मोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बना लेते हैं। आज हम बताएंगे कि इन्हीं पौधों में से एक पौधा है जिसे हम घटपड़ी पौधे भी कहते हैं, आप पिचर प्लांट भी कह सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि यह पौधे ऐसा क्यों करते हैं और यह पौधे किस स्थानों पर पाए जाते हैं और यह किन देशों पर मिल सकते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस तरह के पौधे अक्सर ऐसी जगहों पर उगते हैं जो दलदली होती है, जिन क्षेत्रों में नाइट्रोजन की कमी होती है। यह पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्रों में उगते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए यह जीवों को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, नाइट्रोजन की भी पूर्ति कर लेते हैं। यह दिखने में बहुत आकर्षित होते हैं जिससे जीव इनसे आकर्षित हो जाते हैं और यह अपना भोजन जीवों से प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम नेफेन कीट भी कह सकते हैं। यह भारत में असम के खाड़ियों में मिल सकते हैं और हम जानेंगे इनके जातियों के बारे में अगले वीडियो में। अगर आपको जानना है तो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं।